की जो ऐसी नजर बेकरार है कि नहीं। स्वामिनी का ये दिलकश कारवां आज फिर निकला है एक नए सफर पे और आज हम चलते चलते आप पहुंचे हैं संगीता अग्रवाल जी के घर, तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया। आज हमने आपको चुना है अपने कार्यक्रम होम स्वामिनी के लिए। थैंक यू। तो कुछ कैसा लग रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़, आज तो हम आपकी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत से जो लम्हे हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ भी बांटेंगे। जरूर। तो हमें तारुफ करा दीजिए अपनी फैमिली से जी। और अपनी खुशियों से। हमें दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत सा घर है आपका। नियाज़िया जी, मेरे हस्बैंड हैं जी, मिस्टर संजय अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्ते जी। संजय जी, आज हमने आपकी मिसेज जो हैं इनको चुना है अपने इस कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है होम स्वामिनी जी। तो क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी हो रही है। और वैसे तो मल्टी डायनेमिक हैं ये। अच्छा। इनको पता है जी। और हर क्षेत्र में इनका मतलब एक अलग ही वो रहता है कि हम हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते रहें, ऐसा इनका शुरू से ही रुझान रहता है। और आपने आज इसके लिए सेलेक्ट किया है जिसका नाम होम स्वामिनी है, अच्छी बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, कुछ बातें बताना चाहें हमें, हमारे दर्शकों को कुछ इन, कैसे मुलाकात हुई, कैसे शादी हुई, कुछ किस्सा है क्या इसके बीच भी? हम लोग तो अरेंज मैरिज वाले हैं, तो अच्छा वैसे तो अरेंज मैरिज में भी कुछ तो होगा, कुछ तो खट्टे मीठे पल होंगे। कोई स्टोरी नहीं है असल में जी। ये जबलपुर से हैं और तो ये जबलपुर में शादी नहीं करना चाहते। और, अच्छा, और, ये किस्सा है, थोड़ा सा बताएं क्यों नहीं करना चाहिए। मेरी तीन सिस्टर हैं जी। और इत्तेफाक से तीनों बहनें मेरी जबलपुर में ही हैं, तीनों की शादी जबलपुर में हुई। ऐसा कुछ सोच के नहीं हुआ, पर ऐसा होता गया कि अच्छे रिश्ते मिलते गए पिताजी ने तीनों बहनों की शादी। और यकीन मानिए कि तीनों बहनें हमारी वहाँ पे जबलपुर में वॉकिंग डिस्टेंस में कमानिया गेट के आसपास ही हैं। अच्छा अच्छा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन यहाँ से कंप्लीट किया, बीएससी यहाँ से किया, देन मुझे लॉ करना था, तो लॉ करने के लिए मैंने जबलपुर चुना क्योंकि जबलपुर का लॉ बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ एग्जाम्स यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होते हैं और वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। कार्नी लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया है, तो हालाँकि मैंने 3 साल LLB किया वहाँ से और मैं रेगुलर रहा हूँ 3 साल वहाँ पे। अपनी बड़ी बहन हमारी सिटी कोतवाली के सामने रहती है जबलपुर में। तो और मजे की बात यह है कि मेरी बड़ी बहन के घर से 10 कदम आगे जी मेरा घर है, इनका घर है। और अगर मैं बोलूंगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने शादी के पहले इनको नहीं देखा था। अच्छा। या जब मेरी शादी तय हुई उसके पहले मैंने इनको नहीं देखा था, पर हमारे जीजा जी ने इनको देख रखा था और ये बड़े वाले जीजा जी इनको पसंद किए। और अच्छा, हमने अपने पिताजी से बोला था चूँकि मेरी तीनों बहनें जबलपुर में हैं और तो इस नाते जो है आधे जबलपुर का मैं साला हुआ और आधे जबलपुर का मामा हो गया। अच्छा। तो जिस भी मोहल्ले में जाऊँ तो कहा जी आई के दोस्त ये वो, तो अब हम लोग बहुत छोटे थे जब बहनें हमारी, उनसे सबसे बड़ी बहन 12 साल बड़ी मुझसे उम्र में। अच्छा। तो जितने भी जी आई के दोस्त होते हम लोग भी बड़े उत्सुकता बस जी आई बोलते थे। तो आधे जबलपुर के साले हो गए और 3 बहनें हैं तो 4-5-6 भांजे हुए और फिर देवरानी जेठानी। अच्छा, वहाँ भी सब जॉइंट फैमिली में हमारी सिस्टर जो है तीनों जॉइंट फैमिली में। अच्छा। तो अच्छा, हमारी बीच वाली बहन है वो हमारी जी 6 भाई हैं वो लोग, तो उनकी तो बहुत ही बड़ी फैमिली हुई। तो हर गली मोहल्ले में एक भांजा मेरा खड़ा हुआ मिल जाता है आज भी। तो ये रीजन था कि नहीं करना, इसलिए मैंने बोला पिताजी से, हमने कहा पिताजी आप किसी गांव में मेरी शादी कर देना, अच्छा मुझे जबलपुर में नहीं करनी। और जीजा जी ने, बड़े वाले जीजा जी, इनको देख रखा था शुरू से ही, उनके दिमाग में था कि ये पिंटू के लिए, मेरा निकनेम पिंटू है तो पिंटू के लिए ठीक रहेगी, तो उन्होंने मामला फिट करके रखा हुआ था। तो हमको एक दिन ले गए घुमाने के लिए, चलो तुमको एक जगह घुमा के लाते, हमारे रिलेटिव हैं उनके यहाँ चलते हैं। मालूम नहीं था, मैं गया इनके यहाँ, जाके बैठ गया, इनके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी फ्रिज की और काफ़ी बड़ा शोरूम है इनका, मैं जाके बैठ गया। मिलाने में सहयोग पूरा है, पूरा जी, पूरा बड़ी दीदी हो जी आजी। अच्छा। पूरा पूरा उनका पूरा हिसाब किताब था। तो वो लेके गए, वहाँ बैठा दिए
अब मुझे लगा कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। अब वो मैं गया तो जैसे कोई वाइवा मेरा हो रहा हो। पहले इनके पिताजी आए, वो उन्होंने पूछा हमसे, फिर इनके चाचा जी हैं वो आ गए। अच्छा, ये लोग भी जॉइंट फैमिली में हैं, जबलपुर में भी जॉइंट फैमिली इन लोगों के यहाँ भी। चाचा जी आ गए, फिर वहाँ से मैंने देखा तो घर की लेडीज भी झांक रही थी अंदर से, चाची जी देख रही थी, मम्मी देख रही थी। हमारी छोटी साली थी उस समय निक्की, वो तो बहुत ही छोटी थी, 13-14 साल की थी, वो भी ऐसे निहारे। उनको लगा कि माजरा क्या है, ये सब लोग मुझे क्यों झांक रहे हैं। फिर वहाँ से चले तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा ये क्या मैटर है, तुम्हें बताया कुछ नहीं, वो लड़की देखने गए थे, वो लड़का दिखाने गए थे। उनका लड़का किसको, बोले तुमको दिखाने गए थे, उनके यहाँ लड़की है। ऐसे करके फिर सस्पेंस खुला हुआ। तो मैंने जी आई से कहा, मैंने कहा कि जी जी मुझे नहीं करनी जबलपुर में शादी। बोले ठीक है, तुम जाओ, कोई बात नहीं। फिर वो पापा जी गए होंगे, तो फिर पापा जी के बातचीत हुई उनकी, हमको तो मालूम भी नहीं था। फिर पापा जी तय करके चले आए, रोका होगा सब करके चले आए थे। फिर बाद में हमको जानकारी हुई कि हमारी शादी जबलपुर में तय हो गई। अब हम लोग, संगीता जी आपको पता था ये? जी मुझे पता था, मतलब इनके लिए राज नहीं था। नहीं। तो फिर कैसा लगा संजय जी जब आप मिले, संगीता जी से शादी हुई? हाँ। फिर कैसा लगा, ये लगा कि सबका फैसला सही था? हाँ, नहीं, ये तो मैं सबका फैसला अच्छा था जी। और इनका चूंकि रुझान पढ़ने लिखने में ज्यादा था पहले भी, मार्कशीट वगैरह देखी तो मतलब सब सब्जेक्ट में इनको डिस्टिंक्शन तो मिलता ही था कम से कम। हम पढ़ने में, मैं माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी हूँ। माइक्रोबायोलॉजी और इनको मतलब ऑलमोस्ट हिंदी इंग्लिश छोड़ दिया जाए तो सभी सब्जेक्ट में एटलीस्ट डिस्टिंक्शन तो इनको मिलता था। पूरी मार्कशीट इनकी बहुत अच्छी है। और जब मैं इनके बगल में अपनी मार्कशीट रखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेहनत में कमजोरी हुई हमारे। देखिए ऐसा भी होता है और हाँ। ये भाग्य से लोग मानते हैं जी, 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 जी। तो खुशकिस्मत तो है संगीता जी भी। हाँ। अब ये बताएंगी दोनों हैं एक दूसरे के लिए। तो अभी फिलहाल जिंदगी में जैसे भी चल रहे हैं, सब चीजें मैनेज करती हैं, तो अभी क्या कुछ अच्छा कर रही हैं, और भी कोई खासियत है इनकी? नहीं, इनके यहाँ इनके अंदर एक खासियत है कि जो मुझे समझ में आई कि कई बार विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। और देखिए पत्नी के दो गुण मैंने जो फील किया, मतलब किताबी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पत्नी के दो गुण जो होते हैं वो सबसे मायने रखते हैं। पत्नी देखिए सबकी अच्छी होती है, कोई पत्नी बुरी नहीं होती, मैं तो ये कहता हूँ पत्नी सबकी अच्छी होती है। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी स्पेशल है। मैं इनके मुँह पर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ या मैं किसी चैनल के थ्रू बैठा हुआ हूँ, ऑन कैमरा हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मैंने जो फील किया अपने अंदर की बात मैं बोल रहा हूँ। एक अच्छी पत्नी और उसके दो मुझे जो समझ में आए कि दो गुण विशेष होने चाहिए। एक तो जब आपकी अगर आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर हो जाए तब पत्नी का असली रोल सामने आता है। पति पत्नी किसी का भी, पति या पत्नी किसी का भी, जब जीवन साथी जब टाइम होता है वो एक, जब कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है देन फिर जीवन साथी का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो मेरे साथ भी थोड़ा सा ऐसा समय बहुत कम समय के लिए आया, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस में मैं था उस समय के लिए ही था, मगर उस समय इनका रोल बहुत अच्छा था। फिर मैं थोड़ा सा कुछ हमारी हेल्थ कंडीशन भी थोड़ा गड़बड़ हो गई थी तो मैं थोड़ा सा कुछ दिन 2-3 साल डिप्रेशन में भी रहा। तो उस समय भी इन्होंने आगे बढ़ के ये दुकान उन्होंने तभी खोली थी जब मैं बता रहा हूँ कि व्यापार करे इन्होंने 2016 में। मेरी 2012-13 में तभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कुछ खराब हुई है, उसके बाद थोड़ा डिप्रेशन में भी था। तब इन्होंने आगे बढ़ के बोला कि नहीं अब ठीक है, तुम दिक्कत हो रही काम करने में, हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने 3-4 साल तो बहुत जी तोड़ मेहनत किया और उसके बाद फिर मैं भी संभल गया, डिप्रेशन से बाहर निकला मैं। तो एक तो वो मेरे पास बहुत अच्छा इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है कि इनका बहुत ही अच्छा, और इन्होंने मतलब खुद भी आगे बढ़ा और मुझे भी संभाला वहाँ पे। मतलब मुझे भी डिप्रेस नहीं होने दिया। अगर मैं जैसे मान लीजिए कि घर में अगर मैं लेटा हुआ हूँ और 12-1 बज गए हैं, डिप्रेशन में था तो मुझे लगता था मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे लेटे रहना, सोना है, घर में आराम करना, तो ये मुझे हमेशा टोकती थी कि तुम क्यों लेटे हो, मुझे लगता था मेरी तबीयत खराब है। बोले कुछ तभी तबीयत नहीं खराब है, तुम निकलो जाओ, तुम काम करो अपना। मतलब एक प्रकार से डांटती भी थी, मोटिवेट भी करती थी कि नहीं नहीं तुम्हें काम करना है, तुम कर सकते हो, तुम फालतू घर में लेटे हो। तो उससे ही मुझे बहुत एनर्जी मिली। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। दो ही समय बुरा होता है किसी भी मतलब इंसान के लिए या मर्द के लिए, मैं कह सकता हूँ
या तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ हो, उसमें भी इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, तो फिर जो सेवा होती है वो फिर बताती है कि नहीं नहीं ये निस्वार्थ सेवा जो इन्होंने किया है। और घर का भी सपोर्ट था, सभी लोग घर का सपोर्ट तो खैर भैया भाभी बच्चों का के तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मेरे भाई साहब मेरे आदर्श है, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, पिछले साल उनकी डेथ हुई थी 17 सितंबर, अभी उनकी पुण्यतिथि आने वाली है, वो मेरे रोल मॉडल हैं। और मेरे भाई साहब भी बहुत अच्छा उनका स्वभाव है और मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा इनक्रेज करते हैं कि नहीं तुम अच्छा काम करो, और मेरे दुख सुख में हमेशा वो खड़े रहते हैं। और ये मेरे बच्चे हैं, मेरे भतीजे, दो भतीजियाँ एक भतीजा है जी, मेरे दो बेटे हैं, हम लोग ज्वाइंट फैमिली को इन्जॉय करते हैं। यकीन मानिए ज्वाइंट फैमिली से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जो लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग रहने की वकालत करते हैं, एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं भटके हुए लोग हैं, या उनको हो सकता है कि ऐसे संस्कार ना मिले हों या कम, तो ज्वाइंट फैमिली का अपना ही मजा है। हमें देख के भी लग रहा है जी। तो संगीता जी और किस तरह से खुश रखती हैं आपको, क्या कुछ खाना वाना नहीं बहुत अच्छा बनाती है? नहीं खाना तो मैं ही बना के खिलाता हूँ इनको, मुझे नहीं, इनको भी कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा, कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, तो क्या खिलाते हैं? रेगुलर चीजें तो मुझे बना, वेज बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ, नहीं वैसे मैं नॉनवेज बहुत अच्छा, शाही पनीर नहीं, नॉनवेज तो हम लोग के घर में चलता नहीं, नॉनवेज में ये दोस्तों के साथ बना लेते खाते होंगे, बनाता हूँ मैं, घर में नहीं बनाता हूँ, नॉनवेज को बहुत शौक है, लेकिन ऑपरेशन के बाद मना हो गया, खाने का भी खिलाने का भी, मगर नॉनवेज मेरे घर में अलाउड नहीं, इसलिए वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया। बिरयानी बनाऊंगा मगर वेज बनाऊंगा, जो भी कुछ प्रिपरेशन रहता है वो वेज ही बनता है मेरे घर में, तो कई बार मैं बना के खिलाता रहता हूँ। तो अभी मुश्किल हो गई कि आप नॉनवेज नहीं खा सकते। हाँ, नहीं, अभी वेज में कन्वर्ट करना पड़ता, सर्जरी के बाद अभी नहीं खा सकते। लेकिन बनाते बहुत अच्छा। हाँ, है ऐसा मुझे लगता है। क्या बनाती है? अच्छा, कोई टिप्स देना चाहेंगे? मैं हाँ, जैसे वैसे तो मैं लगभग काफ़ी, मुझे भी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ। लेकिन जैसे मुझे ट्रेडिशनल आइटम में जैसे गुजिया बहुत पसंद है, बनाना भी, खाना भी, खिलाना भी। तो गुजिया में ये टिप्स है कि अगर आप गुजिया को उसका फिलिंग भर के उसको जब आप गोठ लेते हैं, उसके बाद उस टूथपिक से उसकी एयर निकाल दीजिए, तो वो कभी नहीं फूटेगी कढ़ाई में जाके। हाँ, क्योंकि बहुत सारी गृहिणी जो है उनकी शिकायत होती है कि फूट जाती है, बिखर जाती है, तो वो कभी नहीं बिखरेगी। और आप जैसे दाल बाटी बनाइए, तो वो बाटी में आप जो उसके जो आटा लेते हैं, तो उसको थोड़ा सा भूंज कर, थोड़ा रोस्ट करके लीजिए। अच्छा, तो उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा टिप्स मिल गया हमें। संगीता जी, हमें नए नए चेहरे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा सबसे तारुफ करा दीजिए। जी, ये मेरा छोटा बेटा है। अच्छा, आरुष अग्रवाल। अच्छा अच्छा, वो मेरी भतीजी है मुस्कान। ये हर्षित। और ये मेरी दुकान की वर्कर है गायत्री। अच्छा, लेकिन ये भी फैमिली मेंबर की तरह है। तो आयुष, आयुष आरुष, आरुष, आरुष ये 10th में है जी। लेकिन अभी जब इसके पापा का ऑपरेशन हुआ, तब इसने बहुत सपोर्ट किया, मतलब कहना चाहिए एक अच्छा बेटा बहुत कम उम्र में साबित हो गया जी। हाँ, तो परेशानियां जो होती है थोड़ा सा अपने आप में इंसान को मजबूत कर लेती है, तो वही चीज है। और कुछ अपना हुनर तो नहीं सिखाया जी? ये में दिख रहा है कुछ, इसको पेंटिंग स्केचिंग सिखाई है। हाँ, तो वो इसने कुछ बनाई है। अच्छा, सीखने के बाद मम्मी ने सिखाया। हाँ, ये देख, तो क्या बनाया बताओ तो हमें, कौन कौन, ये कौन है? ये एक फ्रेम था भैया का, मेरा, तो मैंने वो बनाया था। अच्छा, ये मामा की फोटो थी। थोड़ा सा ऊपर करिएगा। अच्छा, तो बड़ी हूबहू मम्मा बनी है। बहुत अच्छी स्केचिंग करने लगा है। ये अपने भाई की बनाया है इसने। अच्छा, स्केचिंग ये अपनी दादी की बनाया है। संगीता जी, ये जो गुण है आपका छुपा हुआ जी, बहुत ही खूबसूरत टैलेंट है ये जी, तो इसके बारे में क्या कहेंगी, कैसे अगर कोई बढ़ना चाहे, कोई है इसके लिए भी कोई खास टिप? इसमें ये कि हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो उस हुनर को दबाना नहीं चाहिए,
उसको अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानो और उसको मोटिवेट करो तो वो आगे बढ़ सकता है। अच्छा, तो बहुत लोग स्केचिंग करते हैं ना, आइनों का ये बारीक काम करते हैं और मजा भी लेते हैं इसमें। स्टार्टिंग कराना चाहिए, फिर अगर कुछ आपको जरूरत लग रही है तो आगे उसको क्लासेस दिलवाओ, कुछ ड्राइंग क्लास भेजो तो वो अच्छा, उनका पारंगत होने के लिए क्या किया जाए ऐसा कुछ? पारंगत होने के लिए वो प्रैक्टिस जरूरी है। जब उस चीज की आप नजर ऑब्जर्वेशन अगर आप उस चीज को ऑब्जर्व करके बनाएंगे तो आप बहुत बेटर बना सकते हैं। और गाइडेंस तो जरूरी है स्टार्टिंग में। ये मेरी जेठानी जी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, तो कुछ बताएं हमें। ये बहुत अच्छा गाती है, ढोलक अच्छा? भी बहुत अच्छा बजाती है, भजन अच्छा, बहुत अच्छे अच्छा। गाती है। तो भाभी कुछ कहना चाहेंगी संगीता जी के बारे में? आज हमने इनको चुना है जी, अपने इस कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है होम स्वामिनी, तो इनसे तो बहुत सारी बातें भी हमको जाननी है, थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए इनके बारे में। बहुत बढ़िया है, शॉप खोला उन्होंने, बहुत बढ़िया बिजनेस है। अच्छा जी जी, बिजनेस करती है? बिजनेस है, बुटीक जैसा ही मान लीजिए, अपना घर पे है तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है। और आप अच्छा के साथ कैसा तालमेल है? बढ़िया तालमेल है, तब तो घर में साथ में रह रहे हैं दोनों। अच्छा, और क्या, मम्मी पापा नहीं है, साथ में लोग रह रहे हैं। 25 साल तो मेरी शादी को हो गए। अच्छा, 21 इनके हो गए, भगवान की कृपा से शेयर करते हैं तो कम से कम साथ में। संगीता जी की क्या कुछ अलग सी बातें हैं इनकी? विशेषता एक तो खूबसूरत है, दूसरा गुड़ी है, पढ़ाई लिखाई से ठीक है, जॉब पे नहीं है, गुड़ में सब है, अच्छे गुड़ सारे हैं, सारे जी जी। चलिए, तो हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है बाकी लोगों से। तो जॉइंट फैमिली के अपने फायदे हैं बहुत सारे, कहना चाहिए कि आज हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एकाकी परिवारों की तरफ, लेकिन संयुक्त परिवार की अपनी एक अलग ही खासियत है। तो क्या आज की जनरेशन के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल देंगे, संयुक्त परिवार तो अपने आप में बहुत अच्छा है, आगे चल के बहुत फायदे हैं, अगर बच्चे चाहें, अगर एडजस्ट कर लेते हैं बच्चे तो आज के बच्चों को भी बहुत सपोर्ट, बच्चों को देखिए संस्कार भी मिलते हैं तो अपने घर से ही मिलते हैं, जैसा पेरेंट्स का देखते हैं वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। आज हमारे मम्मी पापा थे, इतने ओल्ड एज में थे, थोड़ा बीमार भी थे, बेड में थे, लेकिन यहाँ इन लोगों ने, दोनों लड़कों ने बहुत सेवा की, हम लोगों से भी जो बना किया तो वो बच्चे भी देख रहे थे, तो ये दोनों बेटे भी, लड़कियाँ भी सब करती थी। संगीता जी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं वैसे जबलपुर से हूँ, मेरी यहाँ रीवा में शादी हुई 2003 में। अच्छा, तो तब से लेके अब तक का सफर, उसमें कुछ ऐसी चीजें, कुछ उतार चढ़ाव कुछ बताना? बहुत सारे उतार चढ़ाव आए उसमें, बहुत सारे चेंजेस भी आए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, नई जगह में नए लोगों से अगर आप सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो, तो मुझे भी सीखने का मौका मिला, और फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, और मुझे मौका दिया कुछ करने का। भाभी का भी साथ, भाभी का भी साथ, घर के लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। जी जी, तो अभी भाभी ने बताया आप अपनी शॉप भी चलाते हो, तो कैसे मैनेज करती हैं ये सब चीजें घर परिवार के साथ? इच्छा शक्ति हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। तो मेरे अंदर शुरू से कुछ विशेष थी मेरी कि मुझे कुछ अलग करना है। अच्छा, सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना है, तो वो मेरे हस्बैंड ने उसमें मेरा सपोर्ट किया, तो फिर मैं आगे बढ़ी, लेकिन साथ में ये भी था कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी थी, घर था तो वो भी मुझे देखना था, तो इसलिए जिम्मेदारियों को निभाते हुए जी। तो मैं हर टाइम से अपना सब काम पूरा करती थी, शॉप खुलने के पहले मेरा जो लंच वंच होता था वो बन जाता था, उसके बाद फिर शॉप भी मैनेज करना, फिर टाइम से सबको नाश्ता खाना सबका देखना, तो वो अगर आप बिना आलस के और अच्छे मन से करोगे तो सब हो जाता है। तो वही मैंने भी किया, मन अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा, अच्छे मन से करो तो सब होता है। अच्छा, कुछ एंजॉय भी करते हो आप अभी अपनी इस लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में कहना चाहिए? बिल्कुल, फ्रेंड्स के साथ, अच्छा अपनी फैमिली के साथ, कभी भी मौका मिला बर्थडे एनिवर्सरी या कुछ है, उसके अलावा भी टाइम निकल जाता है, कभी कभार निकाल लेती हूँ। तो कुछ गेम हम खेलते रहते हैं जी। संगीता जी, हम गेम खेलते हैं जी, ठीक है, ये छोटा सा गेम है हमारा, इसमें बहुत सारी हमने चूड़ियाँ रखी हैं,
तो आपको इसमें से एक कलर चूज करना है और उस कलर की चूड़ी अपने सिर पे रख के इस बास्केट को उससे निकालना है। फिर हम चूज करेंगे आप जो भी कलर, उसको हम काउंट करेंगे कि ये कलर आपकी है और आपका वही बस आपको पॉइंट देगा, बाकी आप जो और कलर की चूड़ियाँ निकालेंगी वो आपको पॉइंट नहीं देगा। ठीक है, तैयार है जी? चलिए तो आप ले लीजिए बास्केट अपने सिर पे, कलर और कलर बता दीजिए हमें कौन सा कलर। रेड ले रही है, तो चलिए आप निकालिए। उसके लिए मैं आपको समय देंगे 30 सेकंड का, तो आपका समय शुरू होता है। एक निकल आई, एक पॉइंट मिल गया आपको, दो मिल गए। तालियां तालियां, समय समाप्ति की ओर है, जल्दी जल्दी से थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए भाभी, बस और समय समाप्त हो गया है। दो ही निकली। तो भाभी ने ले लिया है अपनी चूड़ियां। भाभी बता दें आपने कौन सा कलर लेना है? रेड लेना है। फिर से चलिए आपका समय शुरू हो गया, एक आ गई। तीन, चार। ओहो, तालियां तालियां, भाभी बहुत स्पीड में है, बिल्कुल रुक नहीं रही है ये। और समय बस समाप्ति की ओर है, छह, सात, समय समाप्त हो गया है। और भाभी ने बहुत स्पीड रखी अपनी, और अब देख लीजिए संगीता जी कितनी चूड़ियां आ गई आपके पास। हाँ, दो, तीन, चार, पांच, छह, आठ चूड़ी। आठ लगे जी जाएंगी। अभी गायत्री जी हैं हमारे प्रतिभागी हैं, तो चलिए गायत्री जी आप भी अपना कलर बता दीजिए हमें, कौन सा कलर लेंगी? येलो। येलो, एक हाथ से सिर में पकड़ो, इसमें रख दे। तो गायत्री जी आपका समय शुरू हो गया। हाँ, येलो ही। चल, एक आ गई फर्स्ट ही येलो। हाँ, जल्दी जल्दी गायत्री। ताली बजा दीजिए गायत्री। समय समाप्ति की ओर है, जल्दी से बस समाप्त हो गया। ओ बस कितनी हो गई? चार, फोर पॉइंट। ओहो, मतलब भाभी जीत गई हैं। हाँ। जी जी। भाभी जी का शुभ नाम तो बताया नहीं आपने, मंजू। मंजू जी, तो मंजू जी हमारी विनर हो गई हैं। इसके लिए आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा गिफ्ट है, तो गिफ्ट की तरफ भी चलेंगे। अभी फिलहाल हम बुला लेते हैं संजय जी को। ठीक है संजय जी, आपने बहुत सारी तारीफ की संगीता जी के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई हमें। अब थोड़ा सा परखने की बारी है संगीता जी की, है ना? तो एक छोटा सा गेम हम आपके साथ खेलेंगे जी। जो आपको खेलना है इन्हीं के लिए, है ना, ये समझ के खेलना है। जीतना है कि जिताना है? नहीं नहीं, वो जीतोगी तो जिताओगी, जज कर रही है अभी। तो अभी फिलहाल हमने आपके लिए इंतजाम किया है, थोड़े से रबर बैंड है, उसको आपको टूथपिक से उठाना है, और जी रबर बैंड को उठाना है, और ये चावल में हमने पेंसिल लगा के रखी है, तो पेंसिल नहीं गिरनी चाहिए, बहुत ध्यान से रबर बैंड को उसमें डालना है। आपको मिलेंगे 30 सेकंड। उठा के इसमें डालना है। जी 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 जी। तो हमारे साथ मुस्कान भी हैं, चाची की फेवरेट हैं, तो वो भी खेलेगी। तो आप दोनों में से उन्हें देखना है कि कौन सबसे ज्यादा हमें। मेरा कंपटीशन मुस्कान से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपका समय मुस्कान करेगी। नहीं नहीं, शुरुआत करें। एक एक रबर बैंड आपको उठानी है। आपका समय शुरू होता है अब। तालियां, ये मेहनत हो रही है संगीता जी के लिए। फाइव, सिक्स, समय समाप्ति की ओर है, बस ये समाप्त हो गया। सेवन,
अब मुस्कान तैयार है आप? तो आपका समय शुरू होता है अब। मुस्कान के लिए भी तालियां बजा दीजिए, चाची के सपोर्ट में आइए आज। श्री चाचा ने कितनी इकट्ठी करी थी? 7। मुस्कान समझ लो कौन ज्यादा प्यार करता है। भाई जल्दी करो, समय समाप्ति की ओर है और ये हो गया 6। चाचा ने बाजी मार ली है ना। संगीता जी हमारे विनर बन गए हैं इस राउंड में, संजय जी जी तो आपको खुश कर लिया है कि कुछ और चाहती हैं अभी, कुछ फरमाइश है? हाँ एक छोटा सा गाना सुना दे। अच्छा तो संजय जी थोड़ी सी मेहनत और करनी है आपको, संगीता जी को खुश करने के लिए गाना सुनाना है। गाना सुना सकते हैं जब रूठना मनाना होता है तब सुनाते हैं गाना। तो कुछ ना पूछिए, बाथरूम सिंगर हैं हम। जोर जोर से चिल्ला के गाना गाते हैं, सब लोगों को सुना देते हैं। आपको बस नहीं, तो चलिए आज सुना दीजिए हम सबको। प्रयास कर लेते हैं। जी जी अगर इजाजत दें गाओ ना। कह दिया है गाओ ना। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा ससही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर वो पल के जिस में मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिस में मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा ससही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। बहुत संगीता जी खुश हो गई हैं आप? नहीं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ तो आप भी आर्टिस्ट हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं, तो बहुत ही अच्छा सा गाना सुनाया और आप तो हैं बहुत ही अच्छी सी हमें ड्राइंग दिखाई, पेंटिंग दिखाई। तो चलिए इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेंगे जी। ठीक है तो बहुत बहुत शुक्रिया इन खुशनुमा लम्हों को हमारे साथ बांटने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। संगीता जी ये छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, हमारी होम स्वामिनी के लिए, शायद सांची की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपके लिए भी हम छोटा सा गिफ्ट लाए हैं, जो कि आप हमारे विनर हैं। ये छोटा सा गिफ्ट है शब्द सांची की तरफ से, धन्यवाद। और भाभी आप भी आ जाइए, ये छोटा सा गिफ्ट है शब्द सांची की तरफ से आपके लिए, बहुत धन्यवाद। संगीता जी आपसे बहुत सारी बातें हुई हमारी जी, और हमने जाना कि आप अपनी इतनी अच्छी सी पेंटिंग्स भी करती हैं पर हम देख नहीं पाए हैं, तो और कोई ऐसा गुण तो आपका छुपा नहीं रह गया है? डांस, मैं हाँ, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। अच्छा हाँ। तो कैसे डांस करती है? बॉलीवुड सॉन्ग पे हो या कोई बहुत रिदम वाला अच्छा भगवान का भजन हो। अच्छा, उस पे भी मतलब एक आर्टिस्ट छुपा है आपके अंदर। जी ओम स्वामिनी का ये दिलकश कारवां आज इन्हीं खुशनुमा लम्हों पर पड़ाव डालता है, फिर निकलेंगे एक नए सफर में नई होम स्वामिनी के साथ। अगर आप भी बनना चाहती हैं हमारी होम स्वामिनी तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।